गाइस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल वाइज करके पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से। तो जो पीछे जितनी भी वीडियोज हैं इसके बारे में, जो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और आर्टिकल 4, 5, ये सारे प्लेलिस्ट में सारे आपको मिल जाएंगे और उसको आप देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया आप लोगों को कि हम लोग इसी तरीके से एज ए सीरीज धीरे धीरे करके पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक, जीएस, जीके जो भी होगा और कुछ स्पिरिचुअल जो भी हैं वो सब हम लोग करके ऐसे धीरे धीरे करके सारा स्टडी करेंगे। तो इसी के आगे हम बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो जैसा कि हम लोगों पढ़ चुके हैं कि पार्ट 2 में सिटीजनशिप का मैटर है, टॉपिक है, और वो सिटीजनशिप जो आर्टिकल है, सिटीजनशिप जो टॉपिक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 to 11 में है। कहाँ पे है? 5 to 11 में है, आर्टिकल 5 to 11 में है सिटीजनशिप की बात। ठीक है, तो आर्टिकल 5 जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, अब आर्टिकल 6 में क्या है कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप आप सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आया उनकी नागरिकता के बारे में बात करता है आर्टिकल 6। तो इसमें क्या है, इसमें मोस्टली दो चीज़ें हैं, दो गौर करने वाले टॉपिक्स हैं उसमें। पहला क्या है, पहला ये है कि जो व्यक्ति कोई भी जो पाकिस्तान से भारत में आया उसके ग्रैंड पेरेंट्स, चाहे वो दादा दादी दोनों में से कोई भी, वह इंडिया का मतलब इंडिया में उनका जन्म होना चाहिए, मतलब इंडिया की सिटीजनशिप उनके पास हो, इंडिया के नागरिक हो। लेकिन उसमें क्या चीज़ें हैं, वो उनका जब जन्म हुआ या वो जब यहाँ के नागरिक हुए तो जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उसमें जो एरिया दे रखा था कि इतने एरिया में ए डोमिनियन स्टेट जो इंडिया था वो डोमिनियन स्टेट, इसका जो स्टेटस था कैसा था, डोमिनियन स्टेट का था। जैसा कि 1929 में डिसाइड हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उसमें जो भी रीजन आता था उसमें उस उनके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म होना चाहिए या तो उनके पास यहाँ की नागरिकता हो। ये सेक्शन ए बोलता है। अब बी क्या कहता है, बी कहता है, अब बी में दो पार्ट है, बी में पार्ट दो है। तो बी का क्लाज 1 कहता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले उन लोगों को भारत में आ जाना चाहिए। 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ चुके हों कौन लोग, जो पाकिस्तान से भारत आए, 19 जुलाई 1948 से पहले आ चुके हों कहाँ पे, भारत में। और फिर इसमें दूसरा क्लास क्या है, वो कहता है कि अगर वो 19 जुलाई
1948 को ही भारत में आते हैं, पहला कहा उन्नीस इससे पहले आना चाहिए, और फिर कह रहे हैं कि 19 जुलाई 1948 को आते हैं, उसी डेट पे आते हैं, या इस डेट के बाद में आते हैं, तो उनको क्या होना चाहिए, उनके पास भारत की नागरिकता पाने के लिए क्या करना होगा, कि यहाँ पे जो अथॉरिटी थी, क्या थी अथॉरिटी, किसकी अथॉरिटी, रजिस्टरिंग, जो रजिस्ट्रिंग की अथॉरिटी थी कि सिटीजनशिप बाई रजिस्ट्रेशन, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हूँ, जो भी यहाँ फॉर्मेट हो उसके लिए अप्लाई किए हूँ, और जो 19 जुलाई 1948 की जो बात थी कि उससे पहले उनको आना चाहिए, और यहाँ पे कुछ समय के लिए वो रहे हों, कुछ समय के लिए मामूली तौर पर कुछ समय के लिए यहाँ रहे हों, और इसमें क्या है 19 जुलाई 1948 को आए हों, अथवा 19 जुलाई 1948 को यहाँ आया था उससे पहले यहाँ क्या है उसी डेट में अगर आए हैं, या उसके बाद भी आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, उनको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें उनको जो प्रोविजन था कि किसके सामने आपको अप्लाई करना है, वो अप्लाई ऑलरेडी किए हों, और ऑलरेडी अप्लाई किए हों और सैंक्शन जो अथॉरिटी है अप्रूव्ड की हो, तब वो भारत की नागरिकता उनको मिल सकती है। और क्या है, अगर छह अप्लाई जो कर रहे हैं, अगर उससे 6 महीने से पहले भारत में नहीं रह रहे हैं, तो उनका एप्लीकेशन रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। तो इस तरीके से जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आया, ऐसे लोगों को नागरिकता प्राप्त करने के लिए इसमें प्रोविजन किया गया, जो आर्टिकल 6 में है। ओके, थैंक यू। वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।